क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0.50 साइन 6 to 8 t माइनस 3.14 x, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, कह रहा है एक प्रगामी तरंग का समीकरण है और इस समीकरण में हम लोगों से पूछ रहा है, कह रहा है जहाँ पे जो t है x है और y है वो क्या है, तो t जो है वो सेकंड में है, x जो है वो मीटर में है और y जो है विस्थापन ये किस में है, तो कहेंगे ये जो है वो सेकंड में है। ठीक, हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, पहला कह रहा है इसका आयाम बता दें, आयाम की क्या होगा, दूसरा आवृत्ति स्थान कितनी होगी, तीसरा तरंगदैर्ध्य लैम्डा कितना होगा और चौथा पार्ट इसमें पूछा है वेग v कितना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हमको ले आना पड़ेगा टर्म में, जो जनरल इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t के लिए जो टर्म हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2π को बाहर निकालना है, 2π बाहर निकलने से पहले 2π से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ही 2π से डिवाइड करेंगे क्या कंडीशन आ जाएगी, तो कहें कि 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक, और 100 से डिवाइड करेंगे। हो गया टाइम, हाँ बना अभी स्टार्ट किए थे 5 मिनट।